झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। सिलसिला बाजारों का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटीज की और जानेंगे कि किस कॉमोडिटी में आज आपको मुनाफा मिल सकता है देखने को, और इन सब पे ज्यादा जानकारी के साथ मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता हमारे साथ जुड़ गई है। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कॉमोडिटीज से, बात करते हैं सोने चांदी की। बता दें कि सोना आज 50,550 पर ये ट्रेड करता दिखा है, वहीं सिल्वर की बात करें तो ये 54,580 पर ये ट्रेड करता दिखा है। दोनों ही कॉमोडिटीज में गिरावट देखने को मिल रही है। सोने चांदी में जो गिरावट है वो काफ़ी टाइम से देखने को मिली, कल थोड़ी तेज़ी भी देखने को मिल रही थी। वहीं जुलाई से अब तक सोने में 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है कि सोने चांदी की गिरावट कहां तक जा सकती है? अभी गिरावट फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। देखिए, ये इस हफ्ते में काफी जो है स्थिति जो है डाटा के ऊपर डिपेंड करेगी, और अभी के लिए मार्केट थोड़ा एक बार फिर से करेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंकों की के ऊपर सख्ती देखने को मिल रही है। और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका में एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, और यूएस फेड जो है अपनी ब्याज दरें 0.75 से लेकर एक बेसिस पॉइंट से लेकर 1% तक बढ़ा सकता है। और इसकी वजह से बढ़ती महंगाई से मांग के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मंदी गहराती नजर आ रही है, जिसकी वजह से फिलहाल कीमतों के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो गोल्ड है वो काफी सीमित दायरे में एक रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे जा सकता है। अभी के लिए अगर देखा जाए तो 1680 से लेकर 1720 की रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं चांदी में की बात करें तो चांदी में भी $18 से लेकर $17.80 नीचे में डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर सोना जो है 50,000 की रेंज में बना रह सकता है, 50,000 से 51,000। अभी बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर डॉलर में स्ट्रेंथ आती है तो गोल्ड एक बार फिर से डिप मार सकता है, और नीचे में 50,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, और ऊपर में 50,851,000 फिलहाल ये रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। जी रूपा जी, अगर कच्चे तेल की बात करें तो बता दें 7,619 पर ये लगभग ट्रेड करता दिखा है। कच्चे तेल में भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चा तेल आज $105 प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा है। तो आपको क्या लगता है कि कच्चे तेल के बाजार में क्या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में भी अभी डिमांड जो है वो अहम रोल प्ले करता नजर आ रहा है फैक्टर, जिसकी वजह से यही कीमतों के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से प्राइजेस जो है वो डिप मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ब्रेंट भी एक हफ्ते में काफी टूट चुका है और WTI में भी गिरावट देखने को मिली है। बढ़ती महंगाई ही मेन मुद्दा है, जिसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बार डिमांड फिर से कम हो सकती है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स साथ साथ क्रूड में सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, और क्रूड एक रेंज में जा चुका है। और अभी के लिए अगर देखा जाए तो रेंज बाउंड है और 8,000 के नीचे सस्टेन करता हुआ लगातार हमें दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में भी प्राइजेस जो है वो एक सीमित दायरे में कारोबार करते दिखाई दे सकते हैं, नीचे में 7,580 और ऊपर में 7,640 फिलहाल ये रेंज बनती दिखाई दे सकती है। और फेड के बयान के बाद डॉलर में जो मूवमेंट आएगी उसका फिर हम फर्दर जो है वो इसके अंदर मूवमेंट आते हुए देखेंगे, सोना चांदी और कच्चे तेल के साथ बेस मेटल। जी, अगर नेचुरल गैस की बात करें तो ये 701 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है। नेचुरल गैस में भी आज गिरावट देखने को मिली है, तो क्या लगता है आपको नेचुरल गैस में आगे कुछ बदलाव हो सकता है, क्या इसके भाव ऊपर जाएंगे? देखिए, नेचुरल गैस में भी तेजी जो है वो पिछले लगातार काफी दिनों से बनती हुई दिखाई दी है। यूएस में देखें तो नेचुरल गैस का प्राइस जो है वो अपने 5 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, और EIA का कहना है कि यूएस में इसकी इन्वेंट्री भी बढ़ती हुई दिखाई दी है, और वहां पर बिजली की मांग बढ़ने से भी कीमतों में उछाल देखने को फिलहाल मिल रहा है। और दूसरा, यूएस के अंदर एयर कंडीशन की डिमांड इस बार बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से लगातार प्राइजेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और जो रूस का मुद्दा है उसके चलते भी फिलहाल सप्लाई जो है वो बाधित दिखाई दे रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नेचुरल गैस अभी और तेजी में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फर्दर यूएस के अंदर तो एक अच्छी मूवमेंट हम देख ही रहे हैं और उसका असर हमारे डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से नेचुरल गैस 700 तक पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि अभी नीचे में 680 तो ऊपर में 720 की रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे सकती है। रूपा जी, अगर बेस मेटल की बात करें, जैसे कि अभी आपने बेस मेटल में बताया भी, बेस मेटल बता दें, कॉपर आज 633 पर ट्रेड करता दिखा, वहीं जिंक भी 275 पर ट्रेड करता दिखा, दोनों कमोडिटी में गिरावट देखने को मिली है, तो बेस मेटल के बाजार में क्या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, बेस मेटल में भी चाइना की डिमांड का इम्पैक्ट जो है हम आता हुआ देख रहे हैं और प्राइसेस जो है गिरावट के साथ चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एल्यूमिनियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिंक कॉपर लेड में भी गिरावट आई है। पेपर को अगर देखें तो मार्च के अपने हाई से 30% तक लुढ़क चुका है और अभी देखिए फेड की बैठक जो है उसका जो आउटकम आना उससे पहले हम देख रहे हैं कि लगातार कीमतों पर एक बार फिर से जो दबाव है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन में मांग गिरने से भी कीमतों के ऊपर दबाव आया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभी बाजार जो है वो काफी उठा पटक वाला रह सकता है और कॉपर नीचे में 620 से ऊपर में 640 की रेंज में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी इनमें बेस मेटल्स में भी करेक्शन जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है और जब तक डिमांड पिकअप नहीं होती तब तक बाजार जो है साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। रूपा जी, अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं कि नॉन एग्री कमोडिटी में ऐसी कौन सी कमोडिटी रहेगी जो इंट्राडे में कारोबार करके चला जा सकता है, तो कौन सी कमोडिटी आपकी नजर में ऐसी है? देखिए, आज इंट्राडे में देखिए आज और कल दो दिन बड़े अहम रहने वाले हैं और डेटा निकल कर आना है और अभी देखा जाए तो फिलहाल बिकवाली की तरफ ही रहना चाहिए क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा सकते हैं। तो ऐसे में सोना नीचे में 50,200 तक एक बार आ सकता है, सोने में बिकवाली की जा सकती है, कच्चा तेल में भी बिकवाली की जा सकती है, 7580 से 7560 के टारगेट के लिए कच्चे तेल में भी बिकवाली करके चला जा सकता है। तो रूपा जी ने जैसा कि बताया है कि नॉन एग्री कमोडिटी में सोना चांदी और कच्चा तेल एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो रूपा जी, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपसे जानकारी लेंगे एग्री कमोडिटीज पर। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।